हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग डिराइव करने वाले कुछ इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल व्हिच इज थ्रोन फ्रॉम अ टावर बिलो द हॉरिजॉन्टल, राइट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द हॉरिजॉन्टल, नाउ इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो चलो पहले डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर हाइट एच से हमने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है बिलो द हॉरिजॉन्टल। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, तो ये रहेगा इसका पाथ, दैट इज ट्रैजेक्टरी। और इस केस में जो कंपाउंड्स होंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल जो रहेगा वो यू कॉस थीटा, और अलोंग वर्टिकल वो रहेगा वर्टिकल डाउनवर्ड यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल जीरो और अलोंग वर्टिकल जी। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग हमेशा इक्वेशन यूज करते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहां पे हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट का यूज करते हैं, दैट इज वाई कंपोनेंट। अब इस केस में देखो, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से कहां हुआ है, यहां से यहां, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से यहां। तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और कितना है एच, इसलिए यहां पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस साइन यहां पे आएगा। उसके बाद इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है या फिर उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए माइनस ऑफ यू साइन थीटा इनटू टी और प्लस हाफ, जी इज ऑलवेज नेगेटिव और टी स्क्वायर। तो यहां पे देखो हमें क्या मिलता है, फिर माइनस एच इक्वल्स माइनस ऑफ यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर माइनस साइन यहां से कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एच माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू टी प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा जी टी स्क्वायर, राइट। तो अब माइनस माइनस कैंसिल, तो हमें मिलेगा एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वेशन को एज इट इज रखा था, यहां पर भी हम लोग एज इट इज रखने वाले हैं, और जब न्यूमेरिकल हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें वैल्यू रखकर हमें बहुत जल्दी यहां पे आंसर मिल जाता है। सो बस यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय सॉल्विंग दिस वी गेट टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। सो सेकंड मैं यहां पर लिखता हूं रेंज। तो हमें पता है रेंज के लिए हम लोग फिर से सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये जो रेंज है ये अलोंग हॉरिजॉन्टल है, तो कंपोनेंट आएंगे एक्स कंपोनेंट इस केस में, और रेंज को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यू कॉस थीटा, यहां पे ये हो जाएगा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टी प्लस जीरो, क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है जीरो। सो रेंज विल बी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन डिराइव किया था, वहां से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं, और वो इक्वेशन सॉरी वो वैल्यू जब हम लोग यहां पे रिप्लेस करेंगे तो हमें यहां पे रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नाउ थर्ड हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। ओके, तो यहां पे हमें कंपाउंड्स करने पड़ेंगे। देखो अगर डायग्राम में देखते हैं तो जब प्रोजेक्टाइल यहां पे हिट होगा तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, दैट इज वी, और इसके कंपाउंड्स होंगे वी सफिक्स एक्स और दूसरा होगा वी सफिक्स वाई। तो अब हम लोग पहले ये वी सफिक्स एक्स और वी सफिक्स वाई फाइंड कर लेते हैं। सो वी सफिक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू वी सॉरी यू सफिक्स एक्स, दैट इज यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। और वर्टिकल कंपाउंड अगर देखते हैं तो इसके लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ए एस, और क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है सफिक्स में हम लोग वाई लिखने वाले हैं, सो वी सफिक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, यह है माइनस ऑफ यू साइन थीटा, राइट, प्लस टू जी इज ऑलवेज निगेटिव, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड हो रहा है इसलिए मैं लिखूंगा माइनस एच। तो अब इस केस में हमें मिलेगा देखो v सफिक्स y स्क्वायर एज इट इज रहेगा,
यहाँ पे सेकंड केस में माइनस का स्क्वायर प्लस और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब हमें मिलेगा v सफिक्स y स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. सो फाइनली हमें इक्वेशन चाहिए तो रिजल्टेंट वेलोसिटी. सो v सफिक्स x स्क्वायर प्लस v सफिक्स y स्क्वायर. तो v सफिक्स x क्या था, ये था u cos थीटा और इसका स्क्वायर, और v सफिक्स y स्क्वायर ये है u साइन स्क्वायर थीटा, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. राइट, सो वी कैन गेट हियर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूं यहां से यू स्क्वायर कॉमन कर देते हैं. सो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. ओके, सो अब ये जो ब्रैकेट की टर्म है ये आइडेंटिटी इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 1, मतलब यू स्क्वायर प्लस 2gh. सो ये बन जाएगी वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल हिट द टारगेट. देखो अगर एक चीज यहां पे फोकस करते हो फिर से, कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था हॉरिजॉन्टली अबाउ द हॉरिजॉन्टल एंड नाउ इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल, तीनों भी केस में फॉर्मूले सेम आ रहे हैं. इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल को हम कैसे भी फेंकेंगे, जो वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विल रिमेन्स सेम.